अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैनुअल फाइल बेस सिस्टम से शुरू करना। हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम, हम आहिस्ता आहिस्ता डेटाबेस के इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। सही है, आपको ये सारी स्लाइड्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सारी ये डेटाबेस बुक की स्लाइड्स हमारे फेसबुक पेज के ऊपर मौजूद है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप वहां से सारे सारी बुक की स्लाइड्स ले सकते हैं। ठीक है, पहली पोस्ट है फेसबुक पे। अच्छा, अब मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता है कि ये जो हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस थी ना, वहाँ पे जो मतलब पेपर पेंसिल के साथ फाइलें बनाना और ये इस तरह से सारा डाटा का रिकॉर्ड रखना फाइल्स के अंदर पेपर पेंसिल के ऊपर, ये सारा कुछ क्या था, मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम थी। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में भी चले जाएं तो वहाँ पे जो फाइल्स बनती थी वो फाइल्स आपकी पेपर पेपर्स के ऊपर मुश्तमिल होती थी, पेपर्स होते थे। सही है, पेंसिल से उसके ऊपर लिखा जाता था और उन फाइल्स को स्टोर कर लिया जाता था। तो आजकल भी कुछ जगहों पे, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह में या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, ये अभी भी सिस्टम इन है, अभी भी चलता है। सेट ऑफ बुक्स या फाइल्स इज प्रिपेयर्ड। बुक्स का क्या मतलब है कि कुछ रजिस्टर्स वगैरह, रजिस्टर्स की सूरत में सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता था या फाइलों की सूरत में किया जाता था, और हर बुक के अंदर या हर फाइल के अंदर पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी, कुछ खास इंफॉर्मेशन होती थी। आप लोगों के स्कूल में भी अभी तक, स्कूल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर फाइल बेस्ड सिस्टम ही चलता है अटेंडेंस के लिए। बहुत पाकिस्तान में अभी इतना कॉमन नहीं हुआ, शायद आ गया हो कि वो जो ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, वो जो अटेंडेंस मशीन है स्टाफ के लिए तो आ चुकी हुई है, स्टाफ उससे अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेता है जाके थंब प्रिंट के जरिए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अभी वही मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम ही है कि अटेंडेंस टीचर क्लास में आके रोल नंबर कॉल करके अटेंडेंस मार्क करती है, और वो हर रजिस्टर हर क्लास का मेंटेन किया जाता है। हर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की एक सेपरेट फाइल होती थी। सही है, ऐसे ही होता है ना, सेपरेट फाइल होती है और जिसके ऊपर वो अपना खास काम करता है। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए अटेंडेंस रजिस्टर अलग होगा, सेकंड ईयर के लिए अलग होगा, हर किसी ने अपना अपना अलग अलग रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। अगर एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ चले जाएं जो आपके रिजल्ट्स को स्टोर करती है, तो उसने एक उस वो डिपार्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसने एक अलग से अपने अपने रजिस्टर स्टोर किए होंगे। सही है, तो हर डिपार्टमेंट इसमें अपना अपनी इंफॉर्मेशन अपना काम अलग फाइल में स्टोर करता है, और वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फिर शेयर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जब एडमिशन ब्रांच है, जब आपका एडमिशन होता है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में शेयर होती है। सही है, वो आपके टीचर्स में भी शेयर होती है, वो एग्जामिनेशन ब्रांच वालों को भी शेयर होती है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, जितनी वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें उतनी शेयर कर लेते हैं। कैसे, फाइल्स के जरिए, फाइल्स रिप्लेस हो रही होती है फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। मैनी सच फाइल्स आर लेबल्ड, बहुत सारी फाइल्स जो हैं उनके ऊपर लेबलिंग हुई होती है, उनको कैबिनेट्स में रखा जाता है, या उस फाइल के जो मेन कवर होता है, जो फेस होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेबल होता है, या उसका जो स्पाइन होता है, उसका जो साइड वाली जगह होती है किसी भी फाइल की या बुक की, उसके ऊपर लेबल किया गया होता है ताकि उस फाइल को बाद में जब भी सर्च करना हो तो सर्चिंग आसान हो। सिक्योरिटी क्या होती है फाइल की, कि उनको कैबिन्स में लॉक करके रखा जाता है, या फिर इनके लिए कोई खास अलग बिल्डिंग होती है जिधर इन फाइल्स को रखा जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है फाइल बेस्ड सिस्टम की, आपके कॉलेज की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, आप लोगों के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम के जरिए जहाँ पे काम हो रहा है, तो जैसे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड फाइल, तो जो रिकॉर्ड फाइल होगी उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद होगा। हो सकता है ये कोई एडमिशन ब्रांच ने बनाई हो, या स्टूडेंट्स फी लिस्ट, जो आप लोगों की जो फी ब्रांच है उसने भी सारा रिकॉर्ड रखना है कि किस बच्चे ने किसने फी जमा करवा दी, किसने नहीं करवाई, किसके बैलेंस मौजूद है अभी, तो ये सारा रिकॉर्ड फी फाइल में स्टोर हो रहा होगा, या रिजल्ट फाइल में आपका एग्जामिनेशन ब्रांच या जो रिजल्ट्स होंगे आपके एग्जाम्स के, वो एग्जामिनेशन ब्रांच रिजल्ट फाइल बना रही होगी, और कोर्स फाइल जो कि टीचर बना रहा होगा, जिसके अंदर हर स्टूडेंट के कोर्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये आम आपकी डेली लाइफ की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम की एक और प्रॉपर्टी है कि ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच अडॉप्ट करती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि ये सेंट्रलाइज यानी एक जगह पे सारी फाइल्स नहीं पड़ी होती, मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना बिखरी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास ये इमेज आपको शो हो रही है कि मैथ्स डिपार्टमेंट ने अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, अपने स्टूडेंट्स की फी, रिजल्ट वगैरह, ये मैथ्स डिपार्टमेंट अपना अलग से हैंडल कर रहा होगा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट अपना अलग से हैंडल कर रहा होगा,
सही है, अगर हम जरा और डिफरेंट व्यू में चले जाएं तो एग्जामिनेशन ब्रांच ने अपना अलहदा रिकॉर्ड रखा होगा, और आपका जो एडमिशन ब्रांच है या फी ब्रांच है उन्होंने अपना अलहदा रिकॉर्ड रखा होगा। यानी हर डिपार्टमेंट अपना डाटा अलग से कंट्रोल करेगा और अलग से प्रोसेस करेगा, हर एक के पास अपना डाटा अलग से मौजूद होगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम के। ये बहुत स्लो है इसकी प्रोसेसिंग, जाहिर है मैनुअली करनी पड़ती है, हाथ से करनी पड़ती है तो स्लो होगी, क्योंकि डाटा को मैनुअली कंप्यूट करना होता है, मैनुअली ही एनालाइज करना पड़ता है, तो इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्लो है। और डाटा एक जगह से दूसरी जगह भी मैनुअली ट्रांसफर किया जाता है, कोई बंदा या क्लर्क या कोई आपका जो टीएन या कोई स्टाफ का कोई मेंबर, उसको भेजा जाता है कि ये फाइल लेके फलां डिपार्टमेंट में ले जाओ या फलां डिपार्टमेंट में दे आओ। ठीक है, मैनुअली हर काम हो रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका मेथड स्लो है। ये कॉस्टली मेथड भी है, क्योंकि जाहिर है फाइल बेस्ड सिस्टम को कौन मैनेज कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स बंदे, इंसान, इम्प्लॉयज, तो जब वो लोग मैनेज कर रहे हैं तो हमें जितनी बड़ा फाइल सिस्टम होगा उसको ऑपरेट करने के लिए उतने ज्यादा रिसोर्स चाहिए होगा, उतने ज्यादा इम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो जाहिर है जब आप इम्प्लॉयज हायर करेंगे तो उनको पे भी करना होगा, तो इस वजह से ये थोड़ा कॉस्टली मेथड हो जाता है। अच्छा, मैनेजर्स कैन नॉट इजिली ऑब्टेन समरी इन्फॉर्मेशन। समरी इन्फॉर्मेशन इधर से बहुत आसानी से नहीं ली जा सकती, ये भी एक बड़ा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट होता है उस डेटा को एनालाइज करना और उसमें से डिसीजन लेने के लिए समरी लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है लार्ज स्पेस इज नीडेड। जितना ज्यादा डाटा होगा उतनी ज्यादा स्पेस आपको, स्पेशली लार्ज आपको ये लार्ज स्पेस चाहिए होगी उन बुक्स को, उन फाइल्स को, उन रजिस्टर्स को स्टोर करने के लिए। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू, फिर आपको जब उसी उसी इतनी ज्यादा स्पेस में इतना ज्यादा डाटा पड़ा है, जितना ज्यादा पड़ा होगा उसको सर्चिंग भी फिर उतनी ही मुश्किल होगी। अच्छा, डुप्लीकेशन एग्जिस्ट कर सकती है डाटा में, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा में एग्जिस्ट। डुप्लीकेशन का मतलब है कि एक जैसा दो डाटा डुप्लीकेट होना, कॉपी, एक डाटा की कॉपी मौजूद होना, तो डुप्लीकेट डाटा भी एग्जिस्ट कर सकता है मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम में। इसमें एरर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और फिजिकल डैमेज के भी चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो रजिस्टर है वो कट हो गया है, या कोई पानी आ गया, कोई बारिशें हो गई जिसकी वजह से जो आपका स्टोरेज रूम था जिसके अंदर सारा का सारा आपने डाटा सेव किया हुआ था वो गीला हो गया, या बर्न हो गया, आग लग गई तो वो सारा डाटा जल गया, तो इस वजह से फिजिकल डैमेज के भी चांसेस मौजूद हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइल बेस्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ना, इसको ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सिस्टम भी बोलते हैं। डेटाबेस से पहले इसके ऊपर काम हो रहा था, इसको जरा आप गौर से कर लें। देखिए, इसके ना ये दो चीजें हैं, इसके अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का और डेटाबेस में फर्क वगैरह बताएं। ठीक है, तो ये आप देख लें पहले। प्योर डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए जरूरी है कि हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ी क्यों, जब हमारा काम पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में या किसी और तरीके से हो सकता था, तो हमने डेटाबेस की तरफ क्यों आए। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को समझें। ठीक है, अच्छा, इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारी फाइल या प्रोग्राम्स होती हैं जो कि फाइल्स के अंदर स्टोर होती हैं, इनको एक्सेस किया जा सकता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है। अच्छा, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए ना, समझने के लिए आप अपने माइंड में ना एक्सेल की शीट्स लें। एक्सेल जो है ना, वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की ही एक एग्जाम्पल है। कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन डेटाबेस के जरिए नहीं हो रहा, सही है। तो अच्छा, कंप्यूटर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं, कंप्यूटर फाइल बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। पुराने कंप्यूटर्स में जब डेटाबेस नहीं होती थी, जब डेटाबेस इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, लेकिन आपको डेटाबेस स्टोर करना होता था और कंप्यूटर आ चुके हुए थे, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल हो रहा था, तो डेटा कहाँ स्टोर होता था, या तो टेप में या डिस्क में, या कोई फाइल्स बन जाती थी कंप्यूटर में, एक्सेल वगैरह की जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी, या वर्ड की फाइल्स बना के इस तरह से डेटा को स्टोर या मैनेज किया जाता था। लेकिन ये आजकल भी वैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है कि हर डिपार्टमेंट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैनुअल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हो रहा था, इसमें भी उसी तरह हर डिपार्टमेंट अपनी डाटा फाइल खुद अपने ऑन पे सेव कर रहा होता है। हर ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम इज डिवेल्प विद इट्स ओन सेट ऑफ डेटा फाइल्स। हर डेटा फाइल की एक अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो होता है ना, ये वाला साइन, ये आपने याद रखना, आपको कहीं भी ये वाला साइन दिखे, इसका मतलब है कि ये डेटा की स्टोरेज की बात हो रही है। मोस्टली ये साइन डेटाबेस के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन जो यूज हो रहा है वो हो रहा है कि ये डेटा पड़ा है।
ठीक है, अब डाटा ये दो डाटा स्टूडेंट्स की फाइल है, एक कोर्स की फाइल है, एक पे डॉट डाटा की फाइल है, ये कोई पे रोल पे मतलब के जो इसके एम्प्लॉयज होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये जो फाइल बेस्ड सिस्टम है इसके एम्प्लॉयज को पे करने का जो सारा रिकॉर्ड है वो इसमें मौजूद होगा। अच्छा अब ये कह रहा है एक फॉर एग्जाम्पल एडमिशन एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एडमिशन एप्लीकेशन है ना ये एक्सेल के अंदर बनी हुई है, सही है, तो ये एक स्टूडेंट डॉट डी ए टी फाइल जो डाटा फाइल है इसमें से कुछ डाटा ले रहा होगा और इसको यूजर वन इसमें से डाटा देख सकता है, यूजर वन इसमें से डाटा को रिट्रीव कर सकता है, ठीक है। इसको हो सकता है कोई एडमिशन ऑफिस वाले मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, एडमिशन इसलिए इसको एडमिशन एप्लीकेशन या एडमिशन प्रोग्राम भी कर, तो इसको ये रजिस्ट्रार ऑफिस को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये बहरहाल सिस्टम पे डिपेंड करता है कि सिस्टम किस तरह का है। अच्छा नेक्स्ट आ जाती है कोर्स डॉट डाटा, ये दोनों स्टूडेंट डॉट डाटा की बात हो रही थी। अच्छा कोर्स डॉट डाटा फाइल क्या है, ये जो कोर्स डाटा फाइल जो आ रही है, हो सकता है ये रजिस्ट्रार ऑफिस वाले इसको इसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन करते हो, रजिस्ट्रार ऑफिस वाले कोर्सेज या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन रखते हो, और इसमें अगर हो सकता है डाटा स्टूडेंट फाइल और डाटा फाइल दोनों में से आ रहा हो। इसी तरह पे डॉट डाटा का मतलब है कि जो पे कैलकुलेट करना और पेरोल शीट्स वगैरह ये सारा का सारा काम इसके मुतालिक डाटा इसमें मौजूद होगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ यूजर्स मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में से डाटा ले सकते हैं और शेयर भी कर रहे हैं, या आप और करें ये वाली जो डाटा फाइल है, ये वाली जो हाँ ये वाली जो फाइल ये जो प्रोग्राम है एप्लीकेशन है इसमें दो यूजर्स इससे डाटा को डाटा ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसमें शेयरिंग जरा लिमिटेड होती है। अब आगे जो हम पढ़ने लगे हैं ना डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको आप लोगों ने गौर से कर लेना है, जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं इन सब का सॉल्यूशन हमें डेटाबेस देता है। डेटाबेस के एडवांटेजेस जो है ना वो इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को आपने उल्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें डाटा रिडंडेंसी है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, डेटाबेस का एडवांटेज क्या है कि उसमें डाटा रिडंडेंसी नहीं होगी, रिमूव कर देगा डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। अब ये मैं आपको सारे टर्म्स इधर बता दूंगी, सही है, आपने डेटाबेस के जब एडवांटेजेस करने हैं तो आपने इन्हीं को उल्टा करके लिख देना है, सही है, एक ही दफा याद कर ले इनको, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स को के डिसएडवांटेजेस को जब आप उल्टा कर देंगे ऑपोजिट कर देंगे तो वो डेटाबेस के एडवांटेजेस बन जाएंगे। अच्छा सबसे पहले अब ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को जरा गौर से कर लें। सबसे पहले आती है डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना लेना, मल्टीपल कॉपीज होना। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत सारा डाटा है जिसको इसके अपना जो हर एक का अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि अपनी एक डाटा फाइल मेंटेन कर रहा है, सही है, तो इसमें इसमें हो सकता है कि मल्टीपल फाइल्स एग्जिस्ट करें फॉर सेम डाटा, एक डाटा की मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, एक डाटा की मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है डुप्लीकेशन में कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्पेसिफिक डाटा या रिकॉर्ड जब अपडेट करना है चेंज करना है तो डाटा को हर फाइल में अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट तरह का डाटा मौजूद हो जाएगा, जो कि ये भी बात सही नहीं है। और दूसरा वैल्यूएबल स्टोरेज आपकी वेस्ट हो रही है, आप बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। अच्छा मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको, ये वाली एग्जांपल भी ये वाली कर लेते हैं चलें। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की डाटा फाइल है जो कि एडमिशन ऑफिस में पड़ी है, ठीक है, जब आप एडमिशन करवाने गए उसमें स्टूडेंट की एक फाइल मेंटेन हो रही थी जिसके अंदर उन्होंने आपका नाम रोल नंबर और एड्रेस सेव कर लिया। एक और डाटा फाइल है जो रजिस्ट्रार ऑफिस या चले आप कह लें एग्जामिनेशन ब्रांच वालों के पास है, आसान अल्फाज में एग्जामिनेशन ब्रांच वालों के पास एक रिजल्ट्स की डाटा फाइल है जिसके अंदर आपका रिजल्ट तो मौजूद है ही है कि आपके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, आपके कितने टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज वगैरह। इसके अलावा आपका नेम और रोल नंबर भी मौजूद है, चले इन्होंने एड्रेस भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी मौजूद है। तो यानी कि दोनों फाइल्स में कौन सी चीजें कॉमन है, रोल नंबर दोनों में है, नेम दोनों में मौजूद है यानी रिडंडेंसी है, और एड्रेस एड्रेस भी दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप में से किसी एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो जाता है, जाहिर घर चेंज किया जा सकता है ना, आप शिफ्टिंग कर ली, घर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, तो जब आपको उस एड्रेस को अपडेट करवाना है तो वो एड्रेस स्टूडेंट और डाटा यानी एडमिशन ऑफिस वाली फाइल में भी अपडेट होना चाहिए और वो एड्रेस एग्जामिनेशन ब्रांच में भी अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इट मींस कि एक डाटा की मल्टीपल कॉपीज मौजूद हो गई हैं,
सही है, आपका एग्जामिनेशन ब्रांच में कोई और एड्रेस है और आपका एडमिशन ऑफिस में कोई और एड्रेस मौजूद है, तो मल्टीपल मल्टीपल कॉपीज का एग्जिस्ट होना डेटा रिडंडेंसी कहलाता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। अब आपको क्या पता कौन सा डेटा करेक्ट है, आपको तो यही है ना कि एक जगह से और डेटा पड़ा, दूसरी जगह घर के डेटा सेम होना चाहिए था, दोनों जगह पे दोनों फाइल्स में एक तरह का डेटा मौजूद होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मल्टीपल फाइल्स, ये डेटा रिडंडेंसी की एक प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी जो है आती है, रिडंडेंसी लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि जब मल्टीपल लोकेशंस पे आपका डेटा मौजूद है, मल्टीपल कॉपीज मौजूद है और एक कॉपी में अपडेट हो गया डेटा, तो जिसकी वजह से अब आपका दो डिफरेंट लोकेशंस पे दो डिफरेंट तरह का डेटा मौजूद होना इनकंसिस्टेंसी कहलाता है, ठीक है। मींस डिफरेंट फाइल्स में कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। जैसे अभी एड्रेस की एग्जांपल दी, आपने एड्रेस अपना चेंज करवा लिया, अगर आप उसको हर लोकेशन पे जहां जहां डेटा मौजूद है, रिडंडेंट डेटा मौजूद है, हर लोकेशन पे चेंज नहीं करवाएंगे तो डेटा इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, डेटा जो है आपका चेंज आएगा, एक जगह पे कुछ और डेटा होगा, दूसरी जगह पे कुछ और। नेक्स्ट आता है डेटा आइसोलेशन। कंप्यूटर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा डिफरेंट फाइल्स में स्टोर होता है, यानी आइसोलेटेड होता है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने डिजायर्ड डेटा को, जो डेटा आपको चाहिए, रिक्वायर्ड डेटा, नीडेड डेटा को आप रिट्रीव करें, आप बहुत मुश्किल होता है उसको एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक डाटा चाहिए, आपके आपको आपके पास दो फाइल्स हैं, स्टूडेंट डाटा की और रिजल्ट डाटा की। अब आपको डाटा चाहिए जो कि आधा आपको स्टूडेंट डाटा से चाहिए, आधा आपको रिजल्ट डाटा से चाहिए, दोनों फाइल्स में से डाटा चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल जॉब होगी विद कंप्यूटर फाइल प्रोसेसिंग। वो क्यों? प्रोग्रामर को दोनों फाइल्स में से डाटा निकालने के लिए खास किस्म का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डाटा एटॉमिसिटी। जी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का लफ्ज निकला है एटम से, ठीक है। ये देखिए, ये एटम जो है ना, पहले चार वर्ड्स एटम, इधर से एटॉमिसिटी का लफ्ज निकला है। एटम का क्या मतलब होता है? एटम एक ऐसी चीज होती है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आगे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, जो टूट नहीं सकती, जो एक ही रहती है, ठीक है, उधर से एटॉमिसिटी का लफ्ज निकला है। अच्छा, एटॉमिसिटी वैसे होती क्या है कि या तो पूरी की पूरी वन ट्रांजेक्शन, या तो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन एक साथ जो है वो अकर हो, टेक प्लेस करे, या फिर पूरी की पूरी एक साथ बिल्कुल ना करे। अब बात यह है कि ट्रांजेक्शन क्या होती है, ये लफ्ज आपने बैंकिंग में अक्सर सुना होगा। ट्रांजेक्शन होती है कि कलेक्शन ऑफ स्टेप्स, कुछ मल्टीपल स्टेप्स, सेट ऑफ स्टेप्स जब इकट्ठे मिलते हैं तो वो एक ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने अकाउंट से एक कुछ ट्रांजेक्शन करनी है, आपने एक अकाउंट से, फॉर एग्जाम्पल ए अकाउंट है और एक दूसरा अकाउंट है बी, ए अकाउंट से बी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या उसके स्टेप्स होंगे? सबसे पहले, या इन्होंने एक्स वाई, चलो एक्स वाई कर लेते हैं, एक अकाउंट एक्स से अकाउंट वाई में आपने 15,000 ट्रांसफर करना है, भेजना है, तो क्या होगा, एक्स अकाउंट में से 15,000 माइनस होगा और वाई अकाउंट में 15,000 ऐड हो जाएगा, डिडक्ट का मतलब है माइनस होना। तो ये दोनों स्टेप्स, दो स्टेप्स पे मुश्तमिल ये एक ट्रांजेक्शन है, दो स्टेप्स मिलके एक ट्रांजेक्शन बनाए, ठीक है। ट्रांजेक्शन इसे कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन ऑपरेशन ऑन डेटा। इसमें ये एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ये दो स्टेप्स बताए हैं, लेकिन बहरहाल और भी स्टेप्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्रांजेक्शन। अब एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम क्या है? एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम ये कहती है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टेप वन हो गया, ऑपरेट हो गया, यानी अकाउंट एक्स में से 15,000 माइनस हो गए, लेकिन साथ ही कोई सिस्टम फेल हो गया किसी वजह से, या लाइट चली गई, पावर फेल हो गई, या किसी वजह से सिस्टम डाउन हो गया, तो एक्स में से तो अकाउंट, एक्स अकाउंट में से तो 15,000 माइनस हो गए, लेकिन वाई अकाउंट में ऐड नहीं हुए, यानी पूरी ट्रांजेक्शन अकर नहीं हुई, यानी सारे पैसे जो ट्रांसफर नहीं हुए, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी कि आधी ट्रांजेक्शन हो गई और आधी नहीं हुई? इसलिए कह रहे हैं कि ये डेटा एटॉमिसिटी प्रॉब्लम आ सकती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, जिसको सॉल्व किया है डेटाबेस ने। डेटाबेस ये काम करता है कि सारे की सारी ट्रांजेक्शन एज अ होल या तो एग्जीक्यूट होगी, अगर बीच में ऐसा हो गया है कि आधी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई थी और आधी रहती थी जिसकी, लेकिन आप सिस्टम बीच में फेल हो गया,
तो वो जो आधी हुई थी ना वो भी रोल बैक हो जाती है, वो भी सारी की सारी उसी स्टेट पे आ जाती है जहां से ट्रांजेक्शन के बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा, ये प्रॉब्लम अकर होती है ज्यादातर ट्रांजेक्शन बेस्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, यानी बैंकिंग में अगर फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है। इसका सोल्यूशन जो है वो डेटाबेस ने दिया है। फिर आता है डेटा प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। देखिए, डेटा क्या होता है कि डेटा आपको पता है कि डेटा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट्स का है तो स्टूडेंट्स का डेटा क्या होगा, रोल नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह, ठीक है। प्रोग्राम क्या है कि किस प्रोग्राम में वो डाटा क्रिएट किया गया है, किस प्रोग्राम में इसको मैनेज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सेल की शीट बनाई हुई है और एक्सेल के अंदर सारा प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो एप्लीकेशन है और डाटा है, ये दोनों यानी प्रोग्राम और डाटा आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी अगर एक्सेल पे डाटा बनाया है तो उसको एक्सेल में ही यूज किया जा सकता है, उसको किसी और एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूज नहीं किया जा सकता। इन दोनों में बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है। अगर एक्सेल में प्रोग्राम को आप थोड़ा सा चेंज, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हैं डाटा का, तो फिर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। सही है, दोनों आपस में डिपेंड करते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, डाटा स्टोर्ड इन अ डाटा फाइल डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू विच डाटा फाइल वाज क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, डाटा फाइल का स्ट्रक्चर भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में ही सेव होता है, इसलिए डाटा फाइल के स्ट्रक्चर को चेंज करना डिफिकल्ट है। अगर आप डाटा फाइल चेंज करते हैं तो आपको साथ में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि मैंने रोल नंबर नहीं सेव करना, तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है यानी एक्सेल में से भी, एक्सेल का भी वो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्ट प्रोग्राम मेंटेनेंस। ये डिफिकल्ट प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या कहती है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोग्राम को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वजह क्या है कि सारा डाटा जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है इन डाटा फाइल, यानी कि अपने डाटा के अंदर, या तो आपने डाटा फाइल का साइज चेंज करना है, मजीद जो है आपने फाइल चेंज साइज चेंज करना है, या फिर डाटा टाइप चेंज करनी है किसी भी डाटा फील्ड की। फॉर एग्जांपल, आपने जो है डाटा टाइप चेंज करने का मतलब है कि, क्या एग्जांपल दी जाए इसकी, हाँ, एड्रेस जो है फिलहाल आपका सिर्फ सिटी सेव हो रहा था, तो वो अल्फाबेट्स की सूरत में हो रहा था। अब आप उसको अल्फा न्यूमेरिक में, यानी पूरा का पूरा एड्रेस सेव करना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम पूरा से रीडिजाइन करना पड़ेगा। यानी डाटा चूंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए मेंटेनेंस पे भी अच्छा खासा खर्चा आ सकता है। तो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। लेकिन ये सारा सोल्यूशन हमें मौजूद इसका सोल्यूशन मौजूद है डेटाबेसिस के अंदर। अच्छा, फिर आता है लिमिटेड डाटा शेयरिंग। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास चूंकि अपना डाटा मौजूद होता है, हर एप्लीकेशन का अपना डाटा है, तो जब आपने इस डाटा फाइल को किसी के साथ शेयर करना है, ठीक है, तो इसलिए एक एक डाटा फाइल को दूसरी डाटा फाइल के साथ शेयर करना है तो वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपने एक अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ अपना, आपको साथ में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। इसलिए डिफिकल्ट टू एक्सेस डाटा फ्रॉम अ डाटा फाइल क्रिएटेड बाय एन अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसलिए ये थोड़ी सी लिमिटेड, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड फैसिलिटीज देता है टू शेयर डाटा अमंग मल्टीपल यूजर्स। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, सिक्योरिटी प्रॉब्लम ये है कि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। डेटाबेस के सिक्योरिटी मेजर्स बहुत अच्छे हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर सिक्योरिटी सिक्योरिटी अगेंस्ट इलीगल एक्सेस, कि कोई भी इलीगल बंदा उसको एक्सेस कर सकता है आपकी फाइल्स को। एक्सेल या कोई भी, किसी ने भी कंप्यूटर खोला और खोल के आपकी फाइल को एक्सेस कर लिया, जबकि डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सिचुएशंस में सिक्योरिटी आपको डिफरेंट लेवल्स पे प्रोवाइड, डिफरेंट लेवल्स पे चाहिए होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट है या एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में जो गेस्ट हाउस का ऑनर है उसको पूरी की पूरा डाटा व्यू होना चाहिए, पूरे के पूरे डाटा की एक्सेस मिलनी चाहिए। वो राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है, उसको पूरा का पूरा डाटा की एक्सेस होनी चाहिए, वो ऑनर है। लेकिन जो बाहर जो उनकी जो रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट बैठे बैठा होता है या बैठी होती है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पूरा का पूरा डाटा हो। उसको जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयज को कितना पे कर रहा है मालिक, उसको इस चीज की एक्सेस होना जरूरी नहीं है। उसके पास कितना डाटा होना चाहिए, सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड, कौन सा कस्टमर आ रहा है, कौन से कस्टमर जा रहा है, किसने कितना पे किया है, ये वो,
ठीक है, इस किस्म से मतलब इस तरह का मुतलिक डाटा जो है वो बाहर हर मतलब हर तरह के डाटा, हर तरह के बंदे के पास एक डिफरेंट टाइप, एक मतलब एक खास लिमिटेड डाटा होना, ये चीज प्रोवाइड, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड हमें फाइल प्रोसेसिंग नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर है, तो कस्टमर सिर्फ ये व्यू कर सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उनको परचेज करने की क्या प्राइस है, ये कुछ। फॉर एग्जांपल हम चले ऑनलाइन वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं, जो आजकल दराज की ले लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन डिजिटल मार्केट जो है हमारी, उसमें जो कस्टमर्स हैं हम हैं, हम उस वेबसाइट पे क्या देखते हैं, उस पर तो खैर प्रॉपर एक डेटाबेस मेंटेन की गई है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ना की होती तो क्या प्रॉब्लम थी। मतलब कि ये है कि अगर कस्टमर्स हैं तो कस्टमर्स हम सिर्फ उसके ऊपर प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनकी प्राइसेस वगैरह देखते हैं, जो सेल्स पर्सन है उनको ऑप्शन होती है, उनको अलाउ होता है कि वो उसके अंदर अपनी नई प्रोडक्ट्स ऐड करें। कस्टमर ऐड नहीं कर सकता, सेल्समैन कर सकता है। सेल्स ऑफिसर क्या करता है, वो उस सेल्स डाटा को डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, वो चाहे कि ये प्रोडक्ट मेरे वेबसाइट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं इसको अपनी वेबसाइट पे नहीं बेचना चाहता, वो उस प्रोडक्ट को वहां से डिलीट भी कर सकता है। ये सारे फीचर्स, ये एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स हमें डेटाबेस प्रोवाइड कर सकता है, ये एडवांस फीचर्स में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। अब हम चूंकि हम सारा बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा, उसकी लिमिटेशंस पढ़ी, उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े, तो हमने ये भी आपको मैंने बता दिया साथ में कि इन सबका सोल्यूशन डेटाबेस में है, तो इसलिए अब हम आगे डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं। जी, डेटाबेस की ये एक छोटी सी आप पहले एक डेफिनेशन देखें, इसमें खैर बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को एक करके देखते हैं इनका क्या मतलब है। डेटा इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। सही है, अब ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइज का मतलब है कि डेटा इस तरह से स्टोर होता है कि उसको इजीली बाद में एक्सेस भी किया जा सके और अपडेट भी किया जा सके। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा का क्या मतलब है कि रेलिवेंट डेटा, एक खास एक पर्टिकुलर एरिया का डेटा ये अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस एम्प्लॉयज की है तो ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड डेटा रखेगा, अगर स्टूडेंट्स की है तो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा रखेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं, रिलेटेड डेटा रख रहा है। स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट, एफिशिएंट का क्या मतलब है कि जब भी आप डाटा को सर्च करना चाहें तो इजीली एंड क्विकली सर्च किया जा सके। एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर, कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है कि डाटा बहुत थोड़ी स्पेस लेता है, वो किस लिए, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती, इसमें रिडंडेंसी नहीं होती, तो रिडंडेंसी नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं है, डाटा की मल्टीपल कॉपीज मौजूद नहीं है, तो डाटा सिर्फ एक सिंगल कॉपी मौजूद है तो ये ज्यादा स्पेस नहीं ले रहा, ज्यादा स्पेशल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है के एग्जाम्पल्स, आम हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आती है नादरा। नादरा आप लोगों को पता होगा क्या होता है, जो हमारे शनाख्ती कार्ड बनते हैं वो नादरा से बनते हैं, CNIC, हमारी जो डे फॉर्म्स वगैरह बच्चों के बनते हैं वो भी नादरा से बनते हैं। सही, तो नादरा एक ऐसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेटाबेस नादरा की है, ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड नादरा के पास पड़े हैं। नादरा ने पूरे पाकिस्तान के जितने शहरी हैं, सब सिटीजन्स चाहे जिस मर्जी सूबे के हों, उनका रिकॉर्ड उसके पास मौजूद होता है। ठीक है, और उन रिकॉर्ड्स को बहुत इजीली, बहुत क्विकली, बहुत आसानी से CNIC नंबर के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। आपका जो CNIC नंबर होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर या बे फॉर्म नंबर, वो नंबर यूनिक होता है, हर किसी का किसी और के साथ मैच नहीं कर सकता, उस नंबर के जरिए पूरे का पूरा रिकॉर्ड एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइब्रेरी की। फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी है जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस पड़ी है और वो डेटाबेस वहाँ पे लाइब्रेरी की सारी बुक्स, उन बुक्स के रेफरेंस, उनके टाइटल, उनका ऑथर नेम, वो बुक किसने हमसे इशू करवाई है, उसने कब रिटर्न करवाई है, किसने अभी तक रिटर्न नहीं करवाई, ये सारा का सारा रिकॉर्ड डेटाबेस में रखा जा सकता है। तो डेटाबेस ऑटोमेटिकली आप उस डेटाबेस में इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि किन किन कस्टमर्स ने अभी तक हमारे किन किन क्लाइंट्स ने अभी तक बुक रिटर्न नहीं की। फिर आता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी। बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में भी डेटाबेस मेंटेन होती है, जिसके अंदर प्रेजेंट आजकल के और जो पिछले स्टूडेंट्स हैं, जो गुजर चुके हैं, पास आउट कर चुके हैं, उन सब का रिकॉर्ड मौजूद होता है। फिर आते हैं बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स में तो डेटाबेस का बहुत बड़ा इस्तेमाल है,
सबसे बड़ा आपके पास एग्जांपल है एटीएम की। आप बहुत इजीली एटीएम में से पैसे जब निकलवाते हैं तो जो कस्टमर्स की डेटाबेस है वो उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाती है। पैसे निकलवाए तो फौरी तौर पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या करती हैं कि एटीएम कस्टमर के बैंक अकाउंट के जो सारा डाटा है वो डेटाबेस में पड़ा है उस डेटाबेस को अपडेट कर देती हैं फौरी तौर पे, यानी कि उसमें से अगर पैसे निकलवाए हैं तो माइनस कर देती हैं। फिर आता है ईमेल अकाउंट्स। बहुत पॉपुलर बहुत फेमस कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे हॉटमेल, जीमेल, याहू, ये सारी वेबसाइट्स क्या हैं जिनके अंदर ईमेल आप ईमेल एक दूसरे को कर सकते हैं। ये भी अपनी अपनी डेटाबेस मेंटेन करती हैं। हर किसी की अपनी ऑनलाइन डेटाबेस मौजूद होती है जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो कस्टमर्स हैं वो फ्री ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, डेटाबेस दो तरह की होती है। डेटाबेस मैनुअली भी क्रिएट की जा सकती है, मैनुअली भी बनाई जा सकती है, कंप्यूटराइज भी हो सकती है। मैनुअली मतलब लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग, इसकी एक एग्जाम्पल है। लाइब्रेरी कार्ड के ऊपर भी डेटाबेस बनाई जा सकती है। दूसरी एग्जांपल क्या है कि कंप्यूटराइज डेटाबेस भी मेंटेन की जा सकती है। जब आप कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस मेंटेन करते हैं या क्रिएट करते हैं तो एक कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स के जरिए करते हैं। उस सेट ऑफ प्रोग्राम्स को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, DBMS। DB मीन डेटाबेस, आपने कहीं भी डेटाबेस का लफ्ज सुनेंगे DB के नाम से सुनेंगे, और मैनेजमेंट सिस्टम मीन MS, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी आगे हम देख लेते हैं कुछ कुछ टर्म्स हैं डेटाबेस से रिलेटेड और उसके बाद डेटाबेस की टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले आती है डेटाबेस टेबल। डेटाबेस जो है उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, डेटा जो है ऑब्जेक्ट्स की सूरत में स्टोर होता है। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, उस स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट होगा जैसे ये आपको नीचे शो हो रहा है। उसके रोल नंबर, ये नेम, सिटी, मार्क्स, ये सब इस स्टूडेंट के क्या हैं, ये स्टूडेंट की फील्ड्स हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इस स्टूडेंट की फील्ड्स हैं। ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन टेबल। टेबल की मतलब क्या है, टेबल रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। ये इस तरह रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा होगा। आपको पता है ना कॉलम क्या होता है, ये इस रुख कॉलम होता है और इस रुख रो होती है। ठीक है, हर रो में रिकॉर्ड मौजूद होगा। ये ऊपर वाली रो को छोड़ के नीचे देखें, ये रिकॉर्ड नंबर 1 है, ठीक है, ये दूसरा रिकॉर्ड नंबर 2 है, और फिर ये रिकॉर्ड नंबर 3 है। हर रो में एक रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि हर कॉलम में जो चीज होगी इसे फील्ड कहेंगे। ठीक है, फील्ड में डिफरेंट डाटा वैल्यूज होंगी ऑफ अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ये नेम की फील्ड है, ये सिटी फील्ड है, ये मार्क्स फील्ड है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगला टर्म है मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है, डेटाबेस सिर्फ डाटा नहीं होल्ड करता, उसके पास सिर्फ डाटा नहीं मौजूद होता, डाटा के साथ डिस्क्रिप्शन भी होती है उस डाटा की। ठीक है, डेटाबेस में क्या होता है कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ डाटा। अच्छा, डाटा को सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, डेटा इज डिस्क्राइब एज सेल्फ डिस्क्राइबिंग इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। अच्छा, मैंने आपको बताया डेटा दो तरह का होता है। एक डेटा में दो चीजें होती हैं डेटाबेस में, एक तो डेटा होता है, दूसरा उस डेटा की डिस्क्रिप्शन होती है कि किस टाइप का डेटा मौजूद है। उस डिस्क्रिप्शन को मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। इसको सिस्टम कैटालॉग और डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं। बहरहाल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है सिस्टम कैटालॉग और सिस्टम डेटा डिक्शनरी में। डेटा डिक्शनरी में मेटा डेटा भी होता है, इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक्स में जब आएगा तो फिर आपको उसके बारे में बताएंगे। जब टेबल डिजाइन किया जाता है तो उस टेबल की क्या डिफाइन की जाती है कि उसकी डेटा टाइप, जैसे कि आपको नीचे शो हो रहा है फील्ड नेम्स थी, हमने पीछे टेबल देखा ना एक जिसमें रोल नंबर, नेम और क्लास वगैरह था। तो रोल नंबर की, ये रोल नंबर, ये तो फील्ड का नाम है, हर कॉलम का एक एक नाम है। ठीक है, अब इसके मुतल्लिक डेटा जो है वो मेटा डाटा है। ये जो है ना, ये सारी अगली फील्ड्स, ये मेटा डाटा है। ये जब टेबल डिफाइन करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो उसमें ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है मेटा डाटा। ठीक है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, एक्चुअल डाटा की प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेटा डाटा डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्चुअल डाटा। इसमें क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है, इसका पहले डाटा टाइप आएगी कि रोल नंबर फील्ड में किस तरह का डाटा सेव होगा। न्यूमेरिक जो हमने पढ़े थे ना टाइप्स ऑफ डाटा, ये वो चीज है कि न्यूमेरिक डाटा होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा, या क्या नंबर की फॉर्म में होगा, किस तरह से डाटा सेव होगा।
तो रोल नंबर में तो हमेशा नंबर की फॉर्म में होगा, तो इसीलिए ये हमारे पास डाटा टाइप में ये चीज डिफाइन होती है। नेक्स्ट आ जाता है डाटा साइज। डाटा साइज बताता है, ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। डेटा साइज का मतलब है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे, मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने रोल नंबर दे दिया 4, 6, 8, 9, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा इस डेटाबेस के लिए। वजह क्या है, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 है, जबकि हमने डिफाइन किया है मेटा डाटा में, डाटा अबाउट डाटा में, कि जो हमारा रोल नंबर की फील्ड है उसमें सिर्फ 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे। फिर आप कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कोई ना कोई रूल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने रोल नंबर पे रूल लगा दिया कि हमारा रोल नंबर 1 और 150 के दरमियान में हो सकती है कोई भी वैल्यू। 150 से ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, तो उनका रोल नंबर जाहिर है 1 से 150 के दरमियान होगा ना। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट अपना रोल नंबर, कोई फेक रोल नंबर देता है, यानी 168 या कुछ भी इस तरह का रोल नंबर देता है जो कि क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये डेटाबेस इसको अलाउ नहीं करेगा वो नंबर एंटर करना। फिर आता है डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इस फील्ड में किस तरह का डाटा आने वाला है, यानी यूनिक रोल नंबर आएंगे। किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मैच नहीं कर सकता, ये डिस्क्रिप्शन में आ गया। अच्छा, इट डिस्क्राइब, मेटा डाटा डिस्क्राइब लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है कि इस फील्ड में उसके मुतालिक सारी बातें बताता है। जैसे ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, यही इन पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। अच्छा, इट हेल्प्स डेटाबेस डिजाइनर एंड यूजर टू अंडरस्टैंड डाटा इन डेटाबेस। एक तो डिजाइनर को हेल्प करता है कि डिजाइनर जो है इस मेटा डाटा जो है कि किस तरह का डाटा इसमें मौजूद है, और यूजर को भी हेल्प करता है कि यूजर को भी पता होता है इसमें किस तरह का डाटा आने मौजूद है या आने वाला है। मेटा डाटा जो है ना, ये डाटा डिक्शनरी फाइल में सेव होता है, जो मैंने अभी ऊपर बात की डाटा डिक्शनरी की, ये इस फाइल में, डाटा डिक्शनरी फाइल में मेटा डाटा सेव होता है या सिस्टम डाटा लॉग में। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि डाटा डिक्शनरी में मेटा डाटा भी होता है, इसके अलावा और बहुत सारी स्कीम्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। जब भी एक्चुअल डाटा जो है डेटाबेस में या रीड किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है या राइट किया जाता है, तो सबसे पहले मेटा डाटा से कंसल्ट किया जाता है, मेटा डाटा से देखा जाता है मेटा डाटा में कि आया ये जो डाटा मॉडिफाई करना चाह रहा है, यानी चेंज करना चाह रहा है, क्या ये इन रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्या वो डाटा इस मियार पे पूरा उतरता है कि इसको डेटाबेस में एंटर किया जा सके, मेटा डाटा से ये देखता है। और इस मेटा डाटा को डिफाइन कहाँ किया जाता है, DDL में, यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये DDL, DML, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, ये सारी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। ये लैंग्वेज है एक DDL जो कि डाटा डिक्शनरी डिफाइन करती है डेटाबेस टेबल्स में। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अभी टाइप्स ऑफ डेटाबेस जो हैं, ये सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर, और नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ टाइप्स ऑफ डेटाबेस पे होगा, ठीक है। इस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। हाँ, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिस तरह आपसे अभी बात की कि सारे इसके डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या होंगे, अगर हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को देख के सोचें, तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को आप सोचें कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या थे। सबसे पहले था कि डेटा रिडंडेंसी थी, तो डेटाबेस का एडवांटेज क्या है कि इट रिमूव डेटा रिडंडेंसी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज था कि उसमें फाइल इनकंसिस्टेंसी थी, जबकि इसमें डाटा इनकंसिस्टेंसी थी, जबकि डेटाबेस में डाटा कंसिस्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आपने इनको उल्ट कर लेना है, और उल्ट करके वो सारे डेटाबेस के एडवांटेजेस बन जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स, ये पूरा नहीं हुआ डेटाबेस का सेक्शन, ये जो डेटाबेस वाला पार्ट था, इसको इसमें टाइप्स ऑफ डेटाबेस रहती हैं, ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।